Welcome to our new blog. आज हम लोग जा रहे हैं वज्रेश्वरी और साथ में वहाँ पर एक और प्लेस है जिसका नाम है गणेशपुरी. तो आज हम लोग अपने न्यू ब्लॉग में इन दोनों प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए चालू करते हैं अपनी जर्नी. स्वामी जी का मंदिर है यहाँ पर बहुत बड़ा. अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसीलिए हमने अंदर का शूटिंग नहीं कर पाए. बट ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल. मंदिर के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं. गुरुदेव नित्यानंद गिफ्टोरियम जो कि काफ़ी पुराना और फेमस दुकान है. यहाँ के रुद्राक्ष काफ़ी फेमस है विदेशों में भी और यहाँ के रुद्राक्ष ये एक्सपोर्ट भी करते हैं. यहाँ से आपको रिक्शास भी मिल जाते हैं. ये शर्म नहीं आता है? ये 13 बजे से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है. चिमाजी अप्पा जो कि बाजीराव के भाई थे उन्होंने वसई किला को जब फतेह करने आ रहे थे तभी उन्होंने मन्नत मांगी थी वजेश्वरी देवी से. उसी के वजह से यहाँ पर वजेश्वरी देवी के नाम पे मंदिर बनाया गया है. देख सकते हैं ये है रुद्राक्ष. इतने सारे रुद्राक्ष हैं. क्या पास एक रुद्राक्ष है जो कि मुझे देने की बात कर रहे हैं. कौन सा है? पंचमुखी है. सो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है. अच्छा यहाँ से ये पेड़ काका इसका फल दिखा सकते हो एक बार? तो जब ये इसके अंदर का स्थिति है. जब ये ऊपर का फल होता है तो ये दिखने में ऐसा होता है कुछ. तो इसके अंदर भी एक रुद्राक्ष है. अच्छा ये पकने के बाद गिर जाता है क्या? अच्छा तो फिर इसको जैसे हम साफ करते हैं उसके बाद इसके अंदर से निकलता है ऐसा रुद्राक्ष निकलता है. वाओ और धन्यवाद इसके लिए. देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे लोगों ने मन्नत मांगी हुई है. कहा जाता है कि जो भी यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है. यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी और बारिश वापस गिरना चालू हो चुका है. आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल. और हो सके तो विरार में जो वजेश्वरी मंदिर है यहाँ ज़रूर आइएगा. आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा.